अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज सबसे पहले बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन की। इसराइल जो कि बिल्कुल अपने आप पे से बाहर हो चुका है और किसी किस्म का कोई रहम उनके दिल के अंदर रहा ही नहीं है। अब इन्होंने क्या हरकत करी है कि एक हमला इन्होंने किया है शाम के ऊपर, और शाम में इन्होंने टारगेट किया है ईरानी एम्बेसी को। ईरानी एम्बेसी के अंदर पासदारान इनकलाब के लीडर थे जिनको शहीद किया गया है, और कहा जा रहा है उनके साथ 8 और लोग भी शहीद हुए हैं। पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी गई है। अब ये जंग अगर आप देखें तो इस खित्ते के अंदर बढ़ती जा रही है और इसराइल किसी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बरतानिया की पार्लियामेंट में बात चल रही है कि अब इसराइल को हथियार नहीं बेचेंगे क्योंकि वो मासूम फलस्तीनियों को मार रहे हैं। हर जगह मुजाहरे हो रहे हैं, बरतानिया में मुजाहरे हो रहे हैं, अमरीका के अंदर खुद मुजाहरे हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसराइल की, वहाँ पर भी मुजाहरे हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो वजीर आजम हैं ये अपनी हार को छुपाने के लिए इस जंग को बढ़ावा दिए चले जा रहे हैं। और एक और अहम डेवलपमेंट नज़र आती है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर जो टेकी कंपनीज़ हैं जहां से इसराइल को टेक्नोलॉजी मिलती है, कुछ इस तरीके के क्लॉजेज हैं जो वहां पर साइन हुए हुए हैं कि वो क्या टेक्नोलॉजी है वो किसी पर डिस्क्लोज नहीं होगी। बहुत सारी सोर्सेज से बात सामने आती है कि AI है और AI के थ्रू अपने टारगेट को एग्जैक्टली अचीव कर रहे हैं। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ ने एहतजाज किया और कहा है कि हमारे इल्म में होना चाहिए कि हम कौन सी हिडन टेक्नोलॉजीज इसराइल को दे रहे हैं। तो बात अब यहाँ तक आ गई है, सिर्फ ये इसराइल और फलस्तीन की बात नहीं रही है, दीगर ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। अमेरिका पूरी तरीके से हिमायत कर रहा है और अमेरिका के साथ बरतानिया भी उसी दौड़ में है, लेकिन यूरोप अब डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। मगर अगर आप इसराइल की अप्रोच देखें तो वो अभी भी टस से मस होने का नाम नहीं लेते, और अक्टूबर से लेकर अभी तक 50,000 से ज़्यादा फलस्तीनी हैं जो बताया जा रहा है इस जंग के अंदर शहीद हुए हैं। तो अब जब ये जंग शाम और लबनान और दीगर ममालिक के अंदर जाएगी तो उसके बाद किन और ममालिक की तरफ से रिएक्शन आएगा, तो ये एक अलग ही चीज़ देखने में आएगी। अगर आप देखें तो ये जंग पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रही है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जंग अभी इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। इस वक्त जितने आलमी इदारे हैं उनको चाहिए मुदाखलत करें और फलस्तीनियों को जो शहीद किया जा रहा है उसको फ़ौरन रोकें। कभी उनको गिज़ा देने के बहाने शहीद किया जा रहा है, कभी उनको अस्पतालों के अंदर शहीद किया जा रहा है। मतलब सिर्फ ये हमास और इसराइल की बात नहीं है, अब 73 फलस्तीनियों के ऊपर बात आ गई है। इसी वजह से बरतानिया के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, इसी वजह से अमेरिका में भी एहतजाज हो रहे हैं, इसी वजह से दीगर दुनिया के ममालिक में भी एहतजाज हो रहे हैं, और यही एक ऐसी वजह है जो इसराइल के लिए मजीद नफरत क्रिएट करेगी। तो मैं खुद भी दुआ को हूँ कि ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए, और आप लोगों से भी अपील करूँगा कि अपनी दुआओं में खास तौर पर फलस्तीनी भाइयों को याद रखिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की, जिसको अमेरिका ने कहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है इस डील को आगे बढ़ाने की। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि क्या अमेरिका हमें कोई मुतबादल देगा, क्योंकि हमारे पास गैस की शदीद किल्लत है और अमेरिका हमें मना कर रहा है कि आप ईरान के साथ ना जाएँ गैस के मुआहदे में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव है? अमरीका को हमें यह ऑल्टरनेटिव भी बताना चाहिए। मैं समझता हूँ उनकी बात बिल्कुल सही है, और अब पाकिस्तान के अंदर जो गैस और पानी के मसाइल आने वाले हैं तो उनको देखते हुए हमें भी बहुत सोच समझ के मजीद फैसले आगे करना होंगे। तो टीम में बाबर आजम साहब के दोबारा आने पर एज अ कैप्टन राय इस वक्त बटी हुई है। कुछ लोग हैं जो खुश हैं, कुछ लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, इनको इनकी जगह किसी और प्लेयर को, मोहम्मद रिजवान का नाम बहुत आ रहा है, उनको चांस देना चाहिए था, और इस फैसले के बायस हो सकता है कि टीम के अंदर एक बंटवारा हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं जो भी प्लेयर क्रिकेट खेलेंगे वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, अपनी ज़ाती रंजिशों को बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो हम खेलते हैं पाकिस्तान टीम के अंदर वो हम नेशनल लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कोई गली मोहल्ले वाले नहीं है जहां पर आप जाकर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर लें या बोलें कि यार मेरी इससे बनती नहीं है तो मैं अच्छी बॉलिंग नहीं करूँगा, या मेरा इसके साथ इख्तलाफ है तो आज मैं अच्छी बैटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि इस गेम से पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा होता है। लोगों की बड़ी आँखें लगी होती हैं, बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तानियों को क्रिकेट से, और जब करोड़ों रुपए देकर हम नए कोचेस भी लाने वाले हैं तो मैं उम्मीद करता हूं तो बाबर आजम की क्यादत के अंदर हम मजीद मैचेस जीत पाएंगे और टीम को एक अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, बुशरा बीबी की भी सज़ा मुअत्तल हुई है। PTI वालों के लिए बहुत ही खुशाइन ये एक फैसला है, लेकिन अभी ये सज़ा ख़त्म नहीं हुई है। अब ईद के बाद मजीद क्या डिसीजन आते हैं, इसको कोर्ट किस तरीके से हैंडल करता है, उसकी क्लियर पिक्चर आने वाले दिनों में नजर आएगी। बिजली की बात करूं तो सार्फिन के लिए बिजली कोई 2.5 रुपए के करीब महंगी की गई है। कल फिर हर 2-4 दिन बाद, हर एक हफ्ते के बाद कभी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, कभी किसी और मद में हमें बताया जाता है कि बिजली महंगी हो गई है। अगर ये हुकूमत सोचती है ये सारा जितना कर्जा है वो बिजली से उतार देगी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
आपकी सोच बिल्कुल गलत है, आपकी अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप बिजली पे एक हद तक पैसे बढ़ा सकते हैं। आप देखें, दर्जियों के लिए मसले होते हैं, टेक्सटाइल वालों के लिए मसले होते हैं, फ्रीलांसर्स के लिए मसले होते हैं। कितनी इंडस्ट्री है जो बिजली के बगैर काम कर नहीं सकती। जब आप बिजली के नर्स बढ़ाएंगे तो उनको अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी, और इस वक्त एक आम आदमी में इतनी सकत नहीं है कि वो किसी भी चीज़ की मजीद बड़ी हुई प्राइस दे सके। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर हुकूमत को सोच विचार करना चाहिए, कोई ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए कि कैसे और लोगों को और शोबों को टैक्स नेट में ला सकते हैं। और सिर्फ बिजली, पेट्रोल और गैस के ऊपर सारा बोझ डालकर वो अगर समझें कि हम तमाम कर्जे उतार देंगे या सारा बोझ हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो ये अब पॉसिबल नहीं है। आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को, परेशान कर रहे हैं लोगों को मजीद बोझ डालकर। तो उम्मीद करता हूँ इसका कोई मुतबादल ज़रूर सोचेगी हमारी हुकूमत, और लोगों को इस मामले में भी रिलीफ देने की कोशिश करेगी। तो आखिर में फिर से बताऊंगा कि इफ्तारी का जो प्लान किया है इसी वीक के अंदर कुछ वीकेंड के ऊपर, तो आप लोग बताएं कमेंट करके कि कौन आना चाहता है और कहां पर इफ्तारी करना चाहता है। तो ज़रूर मेरी तरफ से इफ्तारी है उनके लिए। अभी बहुत थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं चाहूंगा कि वक्त के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। और सिर्फ ऐसे आपको ना अंगूठा लगा दें या अपना उंगली लगा दें, जो आपका दिल चाहे वो करके सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर रहे।